में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तदरीसी अमल का बायकॉट जारी रहेगा। शामिल करते हैं सांघर से कुछ खबरें। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा अल्लाह बचायो निज़ामानी ने कहा है कि मुस्लिम लीग फंक्शनल पाकिस्तान और सिंध की मुहाफिज जमात है जो पीर साहब पगारा की तालीमात की रोशनी में मुल्क की खिदमत का फरीजा बखूबी अंजाम दे रही है। सांघर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सिंध में जारी ऑपरेशन में सिंध और वफाकी हुकूमत दोगलेपन का शिकार है, जबकि मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सच्चाई की बुनियाद पर अमली तौर से ऑपरेशन में मसरूफ कुव्वतों का साथ दिया है। यही वजह है कि सिंध के अवाम पीर पगारा के वतन दोस्ती के गर्विदा हैं और मुस्लिम लीग फंक्शनल के उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग फंक्शनल के उम्मीदवार भारी तादाद में कामयाब होंगे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जिला सांघड़ में धांधलियों का आगाज कर दिया है। वोटर लिस्टों और पोलिंग स्टेशंस के कयाम में बदतरीन नाइंसाफियां और बेजाब्तगियां की जा रही हैं और मुस्लिम लीगी कारकुनों पर झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया के जरिए पीपी की इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन फंक्शनल मुस्लिम लीग इन तमाम ज्यादतियों के बावजूद पीपल्स पार्टी का हर सतह पर भरपूर मुकाबला करेगी।